हेलो बच्चे, अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। डी ब्लॉक के हम लोग ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए सीख लिए हैं, उसका हम लोग पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं अपने पास। हम लोग जब भी हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में क्या है डी ब्लॉक, हम लोग इसके फोर टोटल कितने सीरीज़ हैं डी ब्लॉक के, हम लोगों को फोर सीरीज़ हैं। सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों को पता है कि आपका जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक किस में स्टार्ट होगा। डी ब्लॉक के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके जो एन की वैल्यू होनी चाहिए। एन की वैल्यू पे हम लोगों को क्या होता है, एन की मैक्सिमम वैल्यू जितनी होगी, मान लो कि अगर 3 होगा तब जाके हम लोगों को डी ऑर्बिटल, इसमें डी सबसेल इन्वॉल्व होना स्टार्ट होगा। एंड एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1 एंड 2। फॉर 0 ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी। मतलब कहने का अगर एल की वैल्यू 2 तक जा रही है तो एल क्या होगा, हम लोगों को डी सबसेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक ना। तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन की मिनिमम वैल्यू हम लोगों को डी इज इक्वल टू, फॉर डी ऑर्बिटल एन की थर्ड वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को जब भी डी ऑर्बिटल आप लोग पढ़ोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, तो आपका जो सीरीज होगा कौन कौन सा सीरीज आएगा, सबसे पहला सीरीज आपको आएगा, या कहो कि फर्स्ट टाइम जो डी ब्लॉक इन्वॉल्व होगा उसमें क्या होगा, 3D सीरीज आएगा। 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3D सीरीज का अगर आप लोग एलिमेंट देखोगे तो ये स्टार्ट होगा 21 से स्कैंडियम, ठीक ना। फिर उसके बाद टाइटेनियम, फिर उसके बाद वेनाडियम, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर उसके बाद कॉपर एंड फिर उसके बाद जिंक, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्या है, ये हमारा 3D सीरीज़ है। 3D सीरीज़ में भी अगर हम लोग हर एलिमेंट के ऑटोमोस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करें तो हमारा जो इनिशियल कंडीशन होगा ना, इनिशियल कंडीशन सभी के लिए सेम होगा। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम लोग एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें आपको स्कैंडियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर इसके बाद क्या होगा, 3p6, 3d। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसके वेरिएशन, 4s2b होगा इसके पास, और 3d के पास इसमें क्या होगा, 3d में इसके लिए 1 एलिमेंट होगा। तो ये ऑटोमोस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए। ये इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सभी के लिए सेम रहेगा, किसके किसके लिए सेम रहेगा, स्कैंडियम से लेके आपको जिंक तक ये वैल्यू सभी का सेम रहेगा। चेंज क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है हम लोगों को अगर टाइटेनियम के लिए बात करें तो इसके लिए वैल्यू चेंज होगा हम लोगों को 3D। बाकी सारे वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू हमारा सेम रहेगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3d2 4s2। फिर उसके बाद वेनाडियम के लिए अगर आप बात करो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वेनाडियम की वैल्यू होगी 3d3 4s2, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू हो रहा है वेनाडियम के लिए। और जैसे ही आप कहाँ पहुँचोगे, क्रोमियम के पास पहुँचोगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे हम लोगों को, इस टर्म को अगर हम लोग फिर से रिपीट करें आपको तो ये टर्म्स कॉमन है, इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा साइड कर लीजिए, अगर इसके टर्म्स को अगर आप साइड कीजिएगा, ये साइड हो गया स्कैंडियम, ये किसका है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को स्कैंडियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑटोमोस सेल की,
ये सभी के लिए कॉमन होने वाला है। फिर ये क्या होगा, टाइटेनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये वेनाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमियम का हो जाएगा आपको 3D। इसमें अब ध्यान से देखिए कि अब होना चाहिए 3D4 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन इसके हाफ फिल एंड फुल फिल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करने के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3D5 4s1 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, आपको ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी को फॉलो करते रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3D5 तो है ही, अब क्या होगा आपको 4s2 होगा, क्योंकि इसमें हाफ फिल तो 3D है ही, 4s क्या हो गया, कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। फिर उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D6 4s2। अब आगे देखोगे आप क्या होगा कि कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3D7 4s2, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद 3D8 4s2, ठीक ना, यहाँ भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके ऑटोमोस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पहले सभी में क्या होगा, ये वाला वैल्यू सभी के लिए सेम आएगा। इसकी वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी में यूज़ होगा जो कि सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक ना, ये वैल्यू सभी में एप्लीकेबल रहेगा। फिर इसके बाद जो हम लोगों को टर्म्स हैं, अब हमारा क्या होगा, कॉपर, कॉपर को चेक कीजिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपको 3D10 4s1, और फिर जिंक का क्या होगा, 3D10 4s2। ये फर्स्ट सीरीज, 3D सीरीज का जितना भी एलिमेंट है सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जिसमें से आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होगा, क्रोमियम का होगा, फिर उसके बाद कौन होगा आपको, कॉपर का होगा। ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को बार बार पूछा भी जाता है कि अगर आप लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाने वाला टर्म्स है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फाइंड आउट करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3D के बाद आपका सीरीज कौन आएगा, 4D आएगा। 4D के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4D के एलिमेंट हैं आपको याट्रियम, जिरकोनियम, याट्रियम, जिरकोनियम, फिर हाफनियम, एक मिनट, इसके जो हमारे सीरीज हैं ये क्या है, ये याट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, फिर इसके बाद टेक्नीशियम, फिर रुथीनियम, फिर रोहडियम, फिर प्लैडियम, फिर उसके बाद प्लैडियम, फिर उसके बाद क्या होगा, सिल्वर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर इसी सीरीज में हम लोगों को लास्ट चल के आगे जो एलिमेंट आ रहे हैं इसमें क्या होगा, सिल्वर के बाद कैडमियम, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से चेक करें, हमारा जो सीरीज में एलिमेंट है याट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, फिर उसके बाद रुथीनियम, रोहडियम, प्लैडियम, रुथीनियम, रोहडियम, प्लैडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका होता है इसके थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो यहाँ सीरीज आने वाला है ये कौन सा सीरीज आएगा, 4K D में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4D सीरीज कहते हैं। पहले वाला कौन था, 3D सीरीज था, ये कौन सा सीरीज था, 3D सीरीज। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऑटोमोस सेल में क्या होने वाला है, इसके ऑटोमोस सेल में हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉन फिल होने वाले हैं इसमें क्या होगा, पहले तो दो ठीक है, सबसे पहला क्या होगा 3D1 5s2,
फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसके पहले का सीरीज़ क्या होगा, इसके पहले का सीरीज होगा 3D10 कंप्लीट है आपको, इसमें क्या होगा 1S2, इसके लिए जो आगे वाले आने वाले टर्म्स हैं 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P6, 3D10, 3D10 ये कंप्लीट है। फिर उसके बाद क्या है, 3D10 कंप्लीट है, उसके बाद 4S, 4S2, 4P6, फिर उसके बाद अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है आपको 4D1 और 5S2 चल रहा है, ठीक ना। तो अब इसके जो एलिमेंट होंगे, ये क्या एलिमेंट होंगे, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक ना, क्योंकि इसके n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 5 है। और अब इसमें हम लोगों को जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, 4D1, फिर उसके बाद 4D2 और 5S2। बस यहाँ तक ही हम लोगों को क्या है, पहले वाले ग्रुप के साथ मिलता जुलता है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से लेके नायोबियम से लेके रूथीनियम तक, ठीक ना, ठीक ना, नायोबियम से लेके रूथीनियम तक, रोडियम, टेक्नीशियम, रूथीनियम, रोहडियम, ये जो हमारे एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे हमारे ऑटोमोस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने शो करेंगे, इसमें वैल्यू हो जाएगा 3D3 के बदले अब 4 और 5S1। अब इसमें वैल्यू क्या होगा, ये किसका है, नायोबियम का, ये किसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको नायोबियम का है। फिर मॉलिब्डेनम का क्या होगा, मॉलिब्डेनम का हो जाएगा 4D5 5S1। फिर उसके बाद हम लोगों को ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे मॉलिब्डेनम का है। फिर उसके बाद टेक्नीशियम का भी हम लोगों को सेम इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि हम लोगों को 4D6, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 4D6 के बाद हमारा क्या हो रहा है, 5S1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हम लोगों को क्या है, जनरल ट्रेंड से थोड़ा हटके है, ठीक ना। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को NCERT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से इसके रिप्रेजेंट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, रूथीनियम के लिए बात करें, रूथीनियम ये हो जाएगा 4D7, फिर 5S1, फिर रोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D8, फिर इसका 5S1, यहाँ तक सारे के सारे 1 तक को फॉलो किया। जैसे ही हम लोग प्लैडियम में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 4D10 5S0 हो जा रहा है। 5 के S में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 0 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब इसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को 4D10 तो रहेगा, 5S फिर से 1 होगा और कैडमियम में फिर से रिटर्न आपको क्या होगा, 4D10 5S2। ये वाला सीरीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जिसमें कि आप लोगों को प्लैडियम 0, 5S में 0, सिल्वर 5S में 1 और कैडमियम 5S में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी के आपके 4D के 10 कंप्लीट हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को क्या होता है, इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वेरिएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसमें कि डी का हम लोगों को वेरिएशन हो रहा है और इसके 5S का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जा रहा है, हम लोगों को 5S के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है। फिर इसके बाद का सीरीज़ क्या होगा, 6D सीरीज़ होगा। 6D सीरीज़ के एलिमेंट को ही हम लोग देखते हैं, फिर उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को वेरिएशन सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट में है, शुरू के एलिमेंट में इसमें हम लोगों को वेरिएशन नहीं है। अगर हम लोग इसको ध्यान से,
अगर हम लोग 4D के बाद हम लोग कौन सा सीरीज पहले देखेंगे, 4D के बाद हम लोग 5D सीरीज देखेंगे। 5D सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 5D के सीरीज के एलिमेंट होंगे लेंथेनम, फिर उसके बाद होगा हाफनियम, फिर उसके बाद टेक्नीशियम, थैलियम, फिर उसके बाद क्या होगा, उल्फॉर्म होगा, फिर उसके बाद उसके बाद RE4। हम लोगों को 3D से 5D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 5D सीरीज में एलिमेंट है हमारा लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, फिर उसके बाद लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, फिर टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, फिर उसके बाद इरिडियम, फिर इसके बाद हम लोगों को कौन से एलिमेंट बचेंगे? प्लैटिनम, फिर उसके बाद गोल्ड, फिर उसके बाद मरकरी। ये हमारा 5D सीरीज़ है। इसमें हम लोगों को आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर बात करें, तो हम लोगों को इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वेरिएशन आती है, इसमें हम लोगों को शुरू में वेरिएशन नहीं आएगा, जिसमें कि हम लोगों को 5D वाला सीरीज़ था, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होके कहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है? सिंपल, हम लोगों को गोल्ड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, और मरकरी में तो हम लोगों को 3D10 4S, मतलब कि इसमें हम लोगों को 5D10 और 4S 6S 2 होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगे? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ध्यान से देखो, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाले हैं हम लोगों को, जो हमारा प्लैटिनम है और इसके आगे वाले एलिमेंट में, तो प्लैटिनम में हम लोगों को क्या होगा, बाकी के एलिमेंट हम लोगों को इस तीन एलिमेंट को, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, पहले वाला जितना सीरीज़ था वो ही चलेगा, आगे में इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है 5D2, फिर 6S, 5D1, 5D, 5D का फर्स्ट एलिमेंट है तो 5D1, 6S2, फिर उसके बाद क्या होगा, 5D2, 6S2, फिर इसमें एलिमेंट कौन होगा, फिर इसमें एलिमेंट होगा 5D3, 6S2, फिर इसके आगे 5D, 5D के बाद हम लोगों को इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें जो हमारा टंगस्टन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, 5D4 और 6S2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर रहा है, ठीक ना। फिर इसके आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा क्या, 5D5, 6S2, फिर इसके बाद 5D6, 6S2, फिर यहाँ पे क्या होगा, 5D7, 6S2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हो जाएगा 5D, एक इलेक्ट्रॉन तो आगे आने वाला था, फिर ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6S1, फिर उसके बाद 5D10, 6S1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 5D10, 5D का 10, 6S का 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को लास्ट वाले एलिमेंट का है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह के हैं। 6D सीरीज़ में हम लोगों को एलिमेंट ये कंप्लीट नहीं है, इसमें भी हम लोगों को स्टार्ट अगर देखें, एलिमेंट देखें कौन कौन से हैं, तो इसमें एक्टिनियम, फिर उसके बाद रदरफोर्डियम, फिर उसके बाद डिवोर्जियम, फिर उसके बाद सीबोर्जियम, फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद बोरियम, BH, फिर उसके बाद हमारा है HS, फिर उसके बाद है हम लोगों को AMT, फिर उसके बाद डी के साथ हम लोगों को S लगा हुआ है, फिर RG, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या है,
सी एन, ठीक है। तो ये एलिमेंट हैं हम लोगों को, इस तरह के एलिमेंट हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों को जनरल ट्रेंड्स को ही अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोगों को इसके जनरल ट्रेंड्स सिंपल लास्ट में ही दिक्कत होंगी। इसमें हम लोगों को क्या है, बिल्कुल हमारा ये जो 6D का टर्म्स होगा, 6D में क्या होगा, 6D के टेंस में अगर हम लोग बात करें तो 6D और 7S चल रहा है। ये क्या चल रहा है, 6D1 7S2, 6D2 7S2, इधर क्या हो जाएगा 6D3 7S2। इसके आगे के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसके आगे के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचे आप लोगों को 6D, हम लोगों को सीबॉर्डियम SG अगर हम लोग यूज़ करें तो सीबॉर्डियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग ध्यान से देखें एक्टिनियम, तो इसमें कभी कभी हम लोगों को क्या होता है 3D4, हम लोगों को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है 6D4, फिर क्या होगा 7S2, फिर उसके बाद 6D5 7S2, फिर इधर क्या होगा 6D6 7S2, फिर इधर 6D7 7S2 6D8, फिर क्या होगा 7S2। अब जस्ट इसके बाद हम लोगों को फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम इसमें 6D10 4S1 आएगा। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सभी के S में क्या होगा, सभी के S में हम लोगों को पीछे सभी में 2 है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1 आया है, फिर से इसके बाद 6D10, फिर यहाँ पे क्या होगा 7S, ये वैल्यू क्या है 7S1 है, फिर इसके बाद 7S2 हो जाएगा। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों को सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में कहीं कहीं पे आप लोगों को ये वाला टर्म्स नज़र आएगा, कहीं पे आप लोगों को ये वाले टर्म्स भी कहीं पे होंगे, क्या ये वाले टर्म्स सेम ही रहेंगे। फिर हम लोगों को कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टर्म्स जो हमारा 4D4 5S1 है, फिर उसके बाद 4D5 5S1, और कहीं कहीं पे आप लोगों को इसके बदले टेक्नीशियम ये वाला जो टर्म्स है इसके टर्म्स के जगह पे आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएगा, इसके जगह पे आप लोगों को 4D7, इसमें हम लोगों को क्या होगा 4D 4D5 4D5 5S2 भी कंप्लीट हो सकता है कहीं पे आपको, क्योंकि ये हाफ फील्ड वाले कंडीशन को फुल फॉलो कर रहा है। तो हम लोगों को इस जगह पे हाफ फील्ड वाला कंडीशन और यहाँ पे हम लोगों को एक फुल फील्ड और एक हाफ फील्ड वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक ना। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसको आप NCERT से देख सकते हो, उसके डिटेल को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किए हैं। मेन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, 3D सीरीज़ का सारे के सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रहने ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्लेडियम सिल्वर एंड कैडमियम, फिर उसके बाद हम लोगों को प्लैटिनम सिल्वर प्लैटिनम, इस तरह से हम लोग क्या देखें, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स था उसमें हम लोग प्लैटिनम गोल्ड और मरकरी, फिर उसके बाद हम लोगों को नीचे वाले में क्या होगा, सिर्फ आपको RG ये वाले टर्म्स में चेंज होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला है RG रॉन्स, ये वाले वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू हो रही है 3D10 7S1। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सभी को आप ध्यान से देख लिए हैं।
आपके 4D सीरीज में वन वाला ज़्यादा होता है। यहाँ के बाद जितने भी एस हैं सभी में क्या है, आपको सभी में वन है। सिर्फ आपको टेक्नीशियन को छोड़ के, इसके जो टेक्नीशियन वाले टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सभी में आप लोगों को वन है। और प्लैडियम में तो आपको जीरो भी है। प्लैडियम में क्या है, 5S का जीरो प्रेजेंट है। हम लोगों को 4D 10 एंड 5S जीरो प्रेजेंट है। ये थोड़ा बहुत आप एक बार रिपीट कर लो तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चे हम लोग इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, इसके बेसिस पे ही हम लोग इसके किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग एक दो प्रॉपर्टीज़ में इम्पॉर्टेंट है। एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा शील्डिंग इफेक्ट। फिर इसी में हम लोगों को आगे चल के क्या होगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो वो वाले टर्म्स हम लोग इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट ये टर्म्स क्या होता है। ये टर्म्स आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होंगे या इसका यूज़ आप लोग बहुत ज़्यादा देखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है कि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में के पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग क्या करें, मान लो कि इसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो, इसके पास बहुत सारा सेल प्रेजेंट हो, तो ऑटोमोस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके उस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव रियल पॉजिटिव चार्ज है वो फिल नहीं हो पाएगा। ये क्या कर पाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर लेगा, अंदर के सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, सील्ड करेगा। और जैसे ही अगर अंदर के सेल का इलेक्ट्रॉन सील्ड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे इसकी सील्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा इंक्रीज होते जाएगी। तो हमारा क्या होता है, अगर हम लोग 3D सीरीज को देखें तो 3D सीरीज में आप क्या देखोगे, स्कैंडियम, फिर उसके बाद टाइटेनियम, फिर उसके बाद वनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर उसके बाद क्या है बच्चे, निकेल के बाद है हमारा कॉपर और उसके बाद जिंक। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आप क्या देख रहे हो, हमारे 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे क्या हो गया, 3D का सिंगल इलेक्ट्रॉन, 4S का 2 इलेक्ट्रॉन। तो अंदर के सेल में जैसे जैसे हम लोगों को डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, हम लोगों को क्या होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट हमारा क्या होगा, स्कैंडियम से थोड़ा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोगों को टाइटेनियम वाले 3D एलिमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, किसको, 4S2 को। फिर इससे ज़्यादा कौन शो कर पाएगा, इससे ज़्यादा 3D 3 4S2 को शो कर पाएगा। और इसमें क्या होगा, 3D 5 4S1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इंक्रीज किया। जितने भी हमारे इसमें ऑर्बिटल थे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन अभी नहीं है, सील्डिंग कैपेसिटी इसकी कम है। अब जैसे ही हम लोगों को डबल होना स्टार्ट हो जाए तो सील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, और थोड़ा बढ़ेगा। तो यहाँ तक में क्या था, अभी तक के फील्ड में हम लोगों को अभी तक का जो फील्ड आया इसमें क्या है, इसमें हमारा Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, Z इफेक्टिव की वैल्यू बहुत हाई है, या कहो कि सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज करेगी।
और यहाँ पे क्या होगा, इसके कंडीशन में हम लोगों को मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक ना, यहाँ तक के कंडीशन में हम लोगों को क्या होगा, जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दोनों कंपेरेबल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो होंगे इसकी जो साइज होगी क्या होगा, साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद जो हम लोगों को साइज का डिक्रीजमेंट स्टार्ट होगा, या कहिए कि इसके बाद जो हम लोगों को जेड स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा क्या होगा, अब कम होगा, अब हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि इनर सेल में क्या होने वाला है, इनर सेल में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएगा उस तरह से हम लोगों को स्क्रीनिंग करने की कैपेसिटीज़ की क्या हो जाएगी, स्क्रीन करने की, इसके पॉजिटिव चार्ज को रोकने की इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और इसी के कारण हमारा क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं इनर सेल में, हमारा क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बहुत निग्लिजिबल थी विथ रिस्पेक्ट टू जेड इफेक्टिव, या कहो कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम था तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा था। जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारा इंक्रीज किया तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होने लगी। और अब अगर हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू स्क्रीनिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा अब हमारी क्या होगी कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू जितनी कम हो तो हमारा एटम का साइज़ क्या होगा, एटम के साइज़ में इंक्रीजमेंट होगा। तो हम लोग इसके एटम डी ब्लॉक के एलिमेंट में देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले तो आपके एटम का साइज़ क्या होता है, पहले तो इसके एटम के साइज़ का डिक्रीजमेंट स्टार्ट, पहले तो इसके एटम के साइज़ का क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू होंगे, उसके वैल्यू चेंज होंगे कांस्टेंट, फिर धीरे धीरे इसके एटम के साइज़ का इंक्रीजमेंट स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपको 3D इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर का होगा आपको 4D सीरीज़ का साइज़, इसी तरह से वेरिएशन करेगा। फिर आपको 5D में क्या हो जाएगा, 4D एंड 5D में सीरीज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, तो हम लोगों को फिर से इसके बीच का जो गैप है ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, लेकिन नेचर ऑफ जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट है लगभग में सेम ही रहेगा। तो हम लोग इसके आगे चल के हम लोग साइज़ के पैटर्न को देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप कर रहे हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।